प्रिय छात्रों, अब आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। और मैं आपको बता दूं, इससे पीछे जितने भी चैप्टर हो या जितने भी क्वेश्चन हो, उन सभी को मैं सॉल्व कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में जाकर के विजिट कर लेना। ओके, तो आइए 5.2 का भैया हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 का पहला और दूसरा ये सवाल हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि दूसरा में 2 ही सवाल है। तो चलिए हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं ऊपर। क्वेश्चनवा कहता है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला कहता है, ध्यान से देखिए भैया, क्वेश्चन कहता है एपी 10, देखिए एपी जो है हमारे पास, एपी दिया है कितना हमारे पास देख लीजिए, वो दे रखा है भैया 10.7.4, ठीक है। डॉट डॉट का किस्मा पद ज्ञात कीजिए, कमा पद कह रहा है का किस्मा पद आपको ज्ञात करना भैया, तीसवा पद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे रे, बहुत आसान है। ई भैया एपी है और इसका तीसवा पद ज्ञात करना है। सबसे पहली बात यह है समझना कि जो तीसवा पद यानी एनवा पद, ये एन के जगह पे लिखा जाएगा, इसके जगह पे ये एन के जगह पे लिखा जाएगा। अच्छा, एन बराबर फॉर्मूला जानते हैं, एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस के 1 × d होता है कि नहीं फॉर्मूला। अच्छा, मान लेते हैं कि एन के जगह पे ही तीस हम रखेंगे, यानी ए तीस, यानी तीसवा पद निकाल रहे हैं। ए के जगह पे ए रखते हैं प्लस एन के जगह पे हम लिख देते हैं 30 माइनस के 1 × d, तो इसको हम लिख सकते हैं ए 30 बराबर ए प्लस 30 में से गया था 29 और डी से गुना करें तो 29 d, यानी ए 30 का फॉर्मूला ए प्लस के 29 d। यहाँ पे 2 फॉर्मूला आ गया, या तो है कि ये मेन फॉर्मूला लगाइए, इसमें ए और डी का वैल्यू पुट कीजिए, या तो डायरेक्ट जब ए 30 का है तो इसका फॉर्मूला ए प्लस के 29 d। देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ए 30 का फॉर्मूला कौन है, यानी तीसवा पद का, तो ए और डी हमेशा रहेगा, बस आपको क्या करना 30 से 1 पॉइंट घटा देंगे तो ये हो जाएगा 29 d। इस तरीके से मान लेते हैं ए 10 का फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे, ए तो आपको लिखना ही है और प्लस लिखना ही है, 10 है ना, ए घटाइए तो 9 लिख देंगे, 9 d, ये फॉर्मूला आ जाएगा। यानी दसवा पद निकालना रहेगा तो डायरेक्ट कहेंगे ए प्लस के 9 d। अगर मान लेते हैं कि बीसवा पद निकालना है ए 20, तो डायरेक्ट कहेंगे ए प्लस के ए घटा देंगे तो 19 d। इससे भी आप निकाल सकते हो, तो डायरेक्ट हम इससे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है भैया, है कि नहीं। आइए ना देखते हैं, ये इतना आसान क्वेश्चन, या तो इससे निकालिए या तो इससे निकालिए, दोनों एक ही है, तो तार कितना ही लाओ, ठीक है, तो डायरेक्ट निकाल लेना, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं भैया, इसमें हम क्या करते हैं, तीसवा पद ज्ञात करना है तो सबसे पहले सर्वप्रथम ज्ञात, मतलब प्रथम पद ज्ञात करना पड़ेगा। प्रथम पद को ए से प्रेजेंट करते हैं तो ए बराबर क्या होगा, 10 पहला पद। अब हम निकालेंगे डी, तो डी बराबर क्या होता है, यहाँ से लिख दीजिएगा हॉल, ओके। और डी बराबर कैसे, तो आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा देते हैं, तो आगे वाला पद 7 है और घटा देंगे 10, लो भैया घटा दिए कि नहीं। और डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 में से 10 जाएगा तो माइनस के 3। अब बताइए ये बी की वैल्यू आई ए की वैल्यू, अब हमको ज्ञात करना है तीसवा पद यानी ए 30, क्या निकालेंगे ए 30, तो तीसवा पद ए 30 का फॉर्मूला क्या करेंगे, ए प्लस 30 है ना, ये घटाएंगे तो 29 d आ गया। अब पुट कीजिए ए की वैल्यू कितना है, 10 तो 10 प्लस 29 है तो 29 आप गुणे, डी की वैल्यू कितना है, तो डी की वैल्यू है माइनस के 3 तो माइनस के 3 रखिए। आगे देख लीजिए भैया, 10 है तो 10 आप प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, और 29 में 3 से गुना कर देंगे तो 9 × 3 = 27 के साथ कैडी गया, 2 × 3 = 6 कितना हो जाएगा 8, ठीक है 87। अब बताइए 10 में से 87 घटेगा तो माइनस के 77 ना बचेगा, माइनस वाला, क्योंकि माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या बड़ा है, माइनस के 87 या प्लस के 10 है। तो आप बताइए किसी से हम कर्जा ले लेंगे, ऋणात्मक संख्या को कर्जा भी कहते हैं, मान लेते किसी 87 रुपया कर्जा ले लिए और उसको 10 रुपया जाकर के दे दिए, जमा कर दिए, तब कितना रुपया कर्जा बचा, तो माइनस के 77 रुपया कर्जा बचा, है कि नहीं। तो यही हमारे पास आंसर हो गया, तो ए 30 तीसवा पद कितना आया भैया देख लीजिए, माइनस के 77, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन ही सोल्व हो गया, है कि नहीं। आइए अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसका स्क्रीन शॉट मार लीजिए भैया, ठीक है।
तो बहुत आसान है, कौन दिक्कत है कि नहीं। एपी तो सबसे ज्यादा आसान है, कोनो आदमी समझ लेगा, धिया पुता सब समझ लेगा, है कि ना। और दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल एपी कहता है कि माइनस के तीन, माइनस तीन है ना, आ कौमा माइनस एक बट्टा दो आ कौमा दो डॉट डॉट का कमा पद, ग्यारहवा पद कह रहा है भैया, ग्यारहवा पद कोई दिक्कत नहीं, ग्यारहवा पद कह रहा है निकालने के लिए। हम सबसे पहले सर्वप्रथम ए बराबर निकालेंगे, तो ए बराबर माइनस के तीन, अब हम निकालेंगे डी बराबर, तो डी यानी सार्वंतर, तो सार्वंतर वही बात, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा दो, है ना, तो माइनस के एक बट्टा के दो आ घटाएंगे कितना, माइनस के तीन घटा देंगे। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, इधर सोल्व करते हैं, डी बराबर क्या लिखेंगे, माइनस के एक बट्टा दो तो माइनस के एक बट्टा दो, है कि नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और तीन है तो तीन, इसके नीचे छिपा रहता है, इसको सोल्व कर लेते हैं। बताइए दो कैल्सियम दो होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा माइनस का एक ये प्लस तीन दूंगा छः, यही ना होगा, ये तो सोल्व कर बटार के जोड़ घटा तो बच्चों आता है, बच्चों का आता है ना, तो छः में से माइनस एक घटाएंगे तब पाँच का बट्टा में हो जाएगा दो, है कि नहीं, तो पाँच बट्टा दो डी आ गया। अब इसका ग्यारहवा पद ज्ञात करना, यानी ए ग्यारह, ए ग्यारह का फॉर्मूला क्या होगा, वही लिखेंगे ए आ प्लस ग्यारह में ए घटाइए तो दस और डी से गुणा कर दीजिए, हो गया ए ग्यारह का फॉर्मूला तो बस के दस डी। आइए सोल्व करते हैं, ए की जगह पे कितना भैया माइनस के तीन आ प्लस दस है तो दस आ गुणे में भैया डी की जगह पे कितना है पाँच बट्टे दो है तो पाँच बट्टे दो लिखेंगे, काट दीजिए उसको, पहले जोड़ का काम नहीं करेंगे। कुछ बच्चे कहते वो पहले जोड़ है तो पहले दस और तीन को जोड़ देते हैं तब गुणा कर देंगे, अरे भैया गलती हो जाएगा। अगर ऐसा कन्फ्यूजन में है तो बोर्ड मास देख ही लीजिए, सर्च कीजिएगा बोर्ड मास भाई पंकज सर, समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो पाँच गुना दस इसको काटिए, पहले गुना का काम करेंगे तो बराबर माइनस के तीन और प्लस पाँच से पाँच में गुना करेंगे पचास पच्चीस हो जाएगा। अब बताइए पच्चीस में से माइनस तीन घटेगा तो बाईस ना बचेगा, अरे भैया ए ग्यारह का जो आंसर आया है ग्यारहवा पद बाईस, ऑप्शन में देख लो कितना ऑप्शन में, ठीक है। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे, कि दूसरा का ये दोनों सवाल, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो भैया लाइक करते, तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।